गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट या हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन सब्जेक्ट में हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट पढ़ेंगे या हीट एक्सचेंजर भी बोल सकते हैं इसको। ये ऐसा डिवाइस होता है जिसमें दो फ्लूइड के बीच हीट का एक्सचेंज करने में मदद कराता है। जैसे हमारे इंडस्ट्री में, जो केमिकल इंडस्ट्री में जहाँ पर हम लोग जॉब करने जाते हैं, वहाँ पर कोई मान लो हॉट फ्लूड आ रहा है, कोई कोल्ड फ्लूड आ रहा है, अगर उसको ठंडा करना है या गर्म करना है तो हम डायरेक्ट वहाँ पे आग जला के या ऐसे बर्फ़ गिरा के हम ठंडा या गर्म नहीं करते हैं। वहाँ के लिए हम, जैसे सेफ्टी होने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा मतलब मशीन बना दिए हैं कि उसके अंदर दोनों फ्लूड जाएंगे, ठीक, एक साथ दोनों जाएंगे या अलग अलग बाहर जाएंगे दोनों, और हार्ट वाला फ्लूड का जो हीट रहेगा और कोल्ड वाले फ्लूड का, एक दूसरे के बीच हीट का आदान प्रदान करेंगे, है ना। जैसे पता है हार्ट और कोल्ड को जब हम लाते हैं कांटेक्ट में तो हीट का ट्रांसफर होता है हार्ट फ्लूड से कोल्ड फ्लूड में, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो यही वहाँ पर होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, जितना हमको चाहिए होता है उतना देर तक हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं और हीट का जो बदलाव होता है एक दूसरे फ्लूइड में हो जाता है। जो हीट एक्सचेंजर या हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट होता है, जनरली हम अगर बनाना चाहें तो हम एक ऐसे सिंपल बना के आपको समझा सकते हैं। हमने एक बड़ा सा पाइप बनाया बाहर वाला, फिर एक अंदर पाइप है, ठीक, दोनों कंसेंट्रिक पाइप है, मतलब इसका मतलब दोनों का जो एक्सिस है सेम है, ठीक। तो यहाँ पे क्या, हम यहाँ से एक फ्लूड डाल रहे हैं तो यहाँ से निकलेगा, दूसरा मान लो यहाँ जगह बना दिए थोड़ा डालने के लिए, यहाँ से निकालने का, ये फ्लूड डालेंगे तो इधर से घूमते हुए, इधर से घूमते हुए पूरा आएगा इधर, तो ये हार्ट फ्लूड रहेगा जो, इसका हीट इस दीवार के थ्रू बाहर जाएगा और जो कोल्ड फ्लूड रहेगा वो इसका हीट लेके इधर से निकल आएगा। कोल्ड फ्लूड TC1 इनलेट है तो 1 लिख सकते हैं हम, यहाँ TC2 लिख सकते हैं, कोल्ड फ्लूड है आउटलेट, TH1 हार्ड फ्लूड इनलेट, TH2 हार्ड फ्लूड आउटलेट, ऐसे हम करके डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हीट का एक्सचेंज होता है। ये तो जनरली इसको डबल पाइप हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, और भी हीट एक्सचेंजर होते हैं जहाँ पे हीट एक्सचेंज होता है, तो जनरली ऐसे ही बनाया जाता है सबको। और जो भी आगे आएंगे हम एक क्लास में पूरा, जितने भी हीट एक्सचेंजर होते हैं हम उसको पूरा डिफाइन करेंगे। हम इस पर, जैसे होता है कि फाइनल ईयर में जब लोग चले जाते हैं, छठे सेमेस्टर में, डिप्लोमा के जब छठे सेमेस्टर में लोग जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक प्रोजेक्ट करने को मिलता है। आप किसी टॉपिक पे कर सकते हैं, इवेपोरेटर पे, हीट एक्सचेंजर पे, डिस्टिलेशन पे, प्रेशर वेसल्स होता है, बहुत सारे होते हैं 7-8, तो उन पे आपको करने को मिलता है। तो जनरली वो हीट एक्सचेंजर, डिस्टिलेशन, प्रेशर वेसल यही सब करते हैं, इवेपोरेटर पे कर लेते हैं, तो हमने भी किया हीट एक्सचेंजर पे। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, कैसे उसको बनाया जाता है, किस तरह से प्रोजेक्ट बनाया जाता है, सब सही तरीके से बताएंगे। डिस्टिलेशन के बारे में भी बताएंगे कि हमने उसको भी किया है, एक मेरे दोस्त थे तो उनमें थोड़ा हेल्प किए थे, तो उसके बारे में भी हमको नॉलेज है, तो उसको भी हम बताएंगे। तो उसके पहले अभी हम देखते हैं हीट एक्सचेंजर क्या होता है, ठीक। तो हीट एक्सचेंजर का छोटा सा पार्ट हमने बताया, कैसे हीट का एक्सचेंज होता है एक फ्लूड से दूसरे फ्लूड में, ठीक, ऐसे हीट जाता है दोनों तरफ, इसका हीट ऊपर नीचे चारों तरफ, एनुलर स्पेस होता है, ये जो स्पेस होता है ना इसको एनुलर स्पेस बोलते हैं, एनुलर स्पेस। अब हम इसके कुछ टाइप्स जान लेते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो हम पहला बेस है क्लासिफिकेशन करने का, कि कितने फ्लूड हैं। हम दो फ्लूड जनरली जो हम पढ़ेंगे, दो फ्लूड के लिए पढ़ेंगे, तो पहले नंबर ऑफ फ्लूड के बेस पे हम दो या तीन प्रकार के, जितने फ्लूड हो उतने प्रकार से, ठीक है। जैसे कम से कम तो दो फ्लूड होने ही चाहिए, तो दो फ्लूड, तीन फ्लूड जैसे होंगे उसके नंबर के हिसाब से हम बांट लेंगे। और दूसरा हम करते हैं क्लासिफिकेशन इस बेस पे
कि फ्लूइड की डायरेक्शंस किधर हैं सभी फ्लूइड की, ठीक। तो इस बेस पे तीन प्रकार का होता है। पहला होता है काउंटर करेंट फ्लो, दूसरा होता है को करेंट फ्लो या पैरेलल फ्लो, और तीसरा होता है क्रॉस फ्लो। जैसे अब यहाँ लिक्विड डालें, इधर से इसको इधर से डालें, ठीक। तो इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर, फिर इधर से निकल आएगा, ठीक, ऐसे जाएगा। तो दोनों एक ही दिशा में हुए ना, तो इसको बोलेंगे को करेंट हीट एक्सचेंजर, ठीक। को करेंट या पैरेलल फ्लो भी बोलते हैं, पैरेलल फ्लो, ठीक। बी क्रॉस फ्लो, हम इधर से डालें और इसको इधर से डालें, तो इधर से ये आएगा, इधर से निकलेगा, इधर से ये आएगा, इधर से निकलेगा, और ये इधर से जा रहा, दोनों के विपरीत दिशा है, तो इसको बोलेंगे काउंटर करेंट फ्लो। अब एक तरीका और हो सकता है, हीट एक्सचेंजर ऐसे भी होते हैं कि मतलब इधर से एक फ्लूइड जा रहा है, इधर से एक फ्लूइड जा रहा है 90 डिग्री पे, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस फ्लो। ये अलग टाइप का एक हीट एक्सचेंजर होता है जो प्लेट एंड हीट एक्सचेंजर होता है, प्लेट हीट एक्सचेंजर, PHE इसको बोलते हैं। प्लेट हीट एक्सचेंजर जो होता है ये क्रॉस फ्लो का सिस्टम पे काम करता है। तो ये दूसरा बेसिस हो गया। तीसरे बेसिस में हमें लेते हैं कि हम दोनों फ्लूइड के एक ही साथ भेज रहे हैं अंदर कि अलग अलग बार। तो इस बेसिस पे भी दो प्रकार का होता है। पहला था रीजनरेटिव, दूसरा था रिक्यूपरेटिव। रीजनरेटिव में क्या होता है, पहले एक फ्लूइड को भेज देंगे फिर बाद में दूसरे फ्लूइड को भेजते हैं। ऐसे ही मान लो कोई भी चीज़ है, ऐसे पाइप लिए, इसमें हम हॉट फ्लूइड पहले भेज दिए, हॉट फ्लूइड इधर से निकल गया, तो हॉट फ्लूइड का जो हीट रहेगा ये एब्जॉर्ब करेगा, ये जो मेटल का पाइप रहेगा ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक, इधर से निकल जाएगा। फिर कोल्ड फ्लूइड क्या होगा, इसमें से हम तुरंत कोल्ड फ्लूइड पास कराएंगे। अब कोल्ड फ्लूइड जब जाएगा तो इसका हीट इसमें आ जाएगा, है ना, ये जो मेटल इस हार्ट फ्लूइड का हीट एब्जॉर्ब किया है वो कोल्ड फ्लूइड ले लेगा अपने पास, ये भी निकल जाएगा, ठीक। तो ये होता है अलग अलग बार भेजना रीजनरेटिव। लेकिन ऐसे पाइप नहीं बनाया जाता, उसमें मैट्रिक्स टाइप का बनाया जाता है। जब हम पूरा बताएंगे प्रोसेस तो उसमें इसका डिस्कस करेंगे, अभी ये समझने वाली बात थी। और रिक्यूपरेटिव में क्या होता है, जितने भी हम लोग हीट एक्सचेंजर पढ़ेंगे वो रिक्यूपरेटिव पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट में। रिक्यूपरेटिव दोनों एक साथ भेजना, जैसे यहाँ पे भेज रहे थे, यहाँ हार्ट फ्लूइड जाता रह रहा है, यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड जाता रह रहा है, ठीक। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिक्यूपरेटिव टाइप। तो ये दो या तीन टाइप हैं, तो और भी टाइप्स हैं लेकिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमको केवल ये तीन बेसिस पे इस क्लास में पढ़ना है। कोकरेंट, पैरेलल फ्लो, काउंटर करेंट फ्लो, क्रॉस फ्लो के बारे में डिटेल से आज पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कोकरेंट के बारे में। जैसा कि हमने बता दिया यहाँ पे क्या होता है, एक साथ दोनों जाएगा और भी पैरेलल में, दोनों एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करेंगे और हीट का एक्सचेंज होगा। अब इसके कुछ मेन प्रॉपर्टी क्या है पैरेलल फ्लो के, जैसे इधर से जाता है ना, तो इधर से हार्ट फ्लूइड गया, इधर से कोल्ड फ्लूइड आया, तो यहाँ पे हार्ट कोल्ड ज़्यादा अंतर होगा टेम्परेचर का, तो ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होगा। हीट ट्रांसफर में ड्राइविंग फोर्स जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे हीट का ट्रांसफर ज़्यादा होता है। ड्राइविंग फोर्स डेल्टा टी होता है हीट ट्रांसफर में, टेम्परेचर का डिफरेंस, यहाँ कोल्ड होगा यहाँ हॉट होगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये, तो इस ये क्या होगा, इससे हीट लेना शुरू करेगा, धीरे धीरे यहाँ आते आते ये गर्म हो जाएगा, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठीक। तो लास्ट में होता क्या है, जो ये हीट होता है जो बाहर आउटलेट निकलता है TC2 TH2 के लगभग बराबर में आ जाता है, उससे TH2 कभी कम नहीं होगा TC2 से, केवल बराबर में आ जाता है अगर अच्छा हीट एक्सचेंजर है तो। एक बार और हम इसमें कह सकते हैं कि जो ये मिनिमम ये अटेंड करेगा टेम्परेचर, TH1 का जो मिनिमम टेम्परेचर होगा इसके बराबर होगा TC2 का, इससे कभी कम नहीं होगा। TH2 जो है कभी भी नेवर TC2 से कम नहीं होगा, और जो मिनिमम TH2 का वैल्यू होता है
वो टी सी टू के बराबर होता है। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है, जैसे जैसे फ्लूड आगे जाएगा हीट का एक्सचेंज करता रहेगा तो टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है घटने लगता है, यहाँ आते आते बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे जैसे जैसे इधर जाएगा हीट का ट्रांसफ़र कम होता जाएगा, ठीक इंट्रेंस पे ज़्यादा होगा यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे जो ग्रेडियंट होता है टेम्परेचर का वो ज़्यादा होता है, ठीक ना यहाँ पे भी। और इसमें एक चीज़ और होता है कैपेसिटी, यहाँ पे हीट का एक्सचेंजर ज़्यादा होगा, कैपेसिटी को हीट एक्सचेंजर की जो कैपेसिटी देखते हैं हम, वो देखते हैं कि हीट एक्सचेंज कितना कर रहा है, तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, कांस्टेंट नहीं होता है। अब आते हैं हम दूसरा वाला काउंटर करेंट फ्लो, इसमें हम क्या करते हैं यहाँ से हॉट फ्लूड डालें या इधर से हॉट फ्लूड डालें, इधर से निकला है और इधर से हम डाल देते हैं कोल्ड फ्लूड, तो काउंटर करेंट हो जाएगा। अब जैसे जैसे इधर से आएगा हीट का ट्रांसफ़र यहाँ भी ज़्यादा होगा और इधर आएगा तो इधर भी आएगा तो यहाँ भी कोल्ड फ्लूड आएगा, तो इसमें होता है कि जो पूरे लेंथ में टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है सेम होता है, हीट का ट्रांसफ़र जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जितना यहाँ उतना यहाँ, उतना यहाँ इतना यहाँ भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आया सबसे ज़्यादा कोल्ड फ्लूड, ये हार्ट वाला थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा यहाँ तक आते आते, तो ये जितने अमाउंट में वो करेगा, फिर ये इधर आएगा तो ये वाला थोड़ा गर्म होगा, ये वाला थोड़ा सा और गर्म हुआ होगा, तो सॉरी ये वाला थोड़ा सा और गर्म हुआ होगा, ये वाला थोड़ा और ठंडा हो जाएगा, तो इस तरह से क्या होता है यहाँ तक आते आते ये फ्लूड गर्म होता है, ये फ्लूड ठंडा होता है। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे हार्ट फ्लूड तुरंत डालेंगे तो यहाँ पे भी वो कांटेक्ट में आएगा, तो हीट ट्रांसफ़र क्या होता है इस पूरे लेंथ के थ्रू होल इंटायर लेंथ में कांस्टेंट आता है। इसको हम ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि जैसे पैरेलल फ्लो में उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे कम, इसमें क्या होता है पूरे लेंथ में समान हीट का ट्रांसफ़र होता है इसीलिए इसमें ज़्यादा होता है। अब पूरे लेंथ में जो इसकी कैपेसिटी होती है इस वाले हीट एक्सचेंजर की काउंटर करेंट की, वो भी कांस्टेंट होती है, लेकिन उसमें क्या करता था बैरी करता है, इंट्रेंस में ज़्यादा यहाँ पे कम। जैसा कि हमने बताया था जो पैरेलल फ्लो था, पैरेलल फ्लो में जो टेम्परेचर यहाँ निकलता है ये वाला जो कंडीशन हमने बताया कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, टी सी टू यहाँ से अब निकलेगा टी सी वन यहाँ से, तो टी सी टू का वैल्यू बोला था कि पैरेलल फ्लो में टी एच टू से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन काउंटर करंट में यहाँ पे जब फ्लूड आता है गर्म होता है गर्म, तो यहाँ पे जब आता है तो सबसे ज़्यादा हॉट टेम्परेचर टी एच वन जो है यहाँ से इंट्रेंस पे जाते हैं सबसे ज़्यादा हॉट होता है, तो यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है टी एच टू से बढ़ सकता है, टी एच टू से बढ़ सकता है टी सी टू का टेम्परेचर, है ना, ज़रूरी नहीं कि इससे बराबर या कम ही हो जैसा पैरेलल फ्लो में, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इंडस्ट्री में इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। लेकिन अगर हमको ये पता हो कि हमको कोई लिमिटेड अमाउंट ऑफ हीट का ट्रांसफ़र करना है, ठीक ना, कोई लिमिटेड अमाउंट की इतना डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको 25 पे लाना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई लिमिटेड अमाउंट है, तो कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस होता है वो पैरेलल फ्लो में अच्छा होता है, तो उसको यहाँ पे करते हैं। लेकिन बाकी जो जनरली होता है सबसे ज़्यादा हम यही करते हैं हीट का ट्रांसफ़र, इसी को यूज़ करते हैं। और इसका तो हमने बताया क्रॉस फ्लो का पीएचई दोनों इस तरह जाते हैं, तो इसका बहुत कम टाइम तक कांटेक्ट में रहते हैं, इसमें भी सेम यही, जब लिमिटिंग होता है तो हम यही यूज करते हैं। एक चीज़ और देखिए, जो हीट का ट्रांसफ़र होता है हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम उसको डिफाइन करते हैं यू ए डेल्टा टी एल एम, ये होता है लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, इसको भी हम अलग से डिफाइन करेंगे एक क्लास में, तो अभी इसको टेम्परेचर डिफरेंस ही एक तरह से समझिए। जैसे होता क्या है हीट एक्सचेंजर के थ्रू ना हीट का ट्रांसफ़र होता है यहाँ से यहाँ तक, है ना, जैसे भी हो हीट का ट्रांसफ़र होता है, तो हम टेम्परेचर डिफरेंस नहीं लेते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ डेल्टा टी आता है, यहाँ डेल्टा टी आता है, यहाँ डेल्टा टी आता है, ये तीनों में कोई अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक या कोई भी मतलब ऐसा सिंपल नहीं होता है जिसको हम अरेंज कर सकते, इसमें हम लॉगरिथमिक निकालते हैं, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं, वो इसको सूटेबल करता है, इसलिए हम हीट एक्सचेंजर में जो हीट का ट्रांसफ़र हम का फार्मूला लिखते हैं उसमें डेल्टा टी एल एम लिखते हैं, ठीक।
ये सरफेस एरिया है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है। तो ये सरफेस एरिया अगर देखिए काउंटर करंट या कोई भी करंट हो तो ये ज़्यादा होता है ना। काउंटर करंट में डेल्टा टी एम का वैल्यू ज़्यादा होता है काउंटर करंट में, जबकि को करंट में कम होता है। इसमें ज़्यादा आता है, इसमें कम आता है। यू कांस्टेंट है, अगर ये ज़्यादा आ गया डेल्टा टी एम मतलब हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, तो को करंट में ज़्यादा आता है या काउंटर सॉरी को करंट में कम आता है, काउंटर करंट में ज़्यादा आता है। तो अगर काउंटर करंट में ज़्यादा आया तो क्यू का वैल्यू अगर हम उतना ही रहने दें, हीट ट्रांसफ़र उतना ही रहने दें, तो ये वैल्यू तो पहले से इतना है तो हमको काउंटर करंट के लिए एरिया का मान कम लगेगा। हम कम सरफेस एरिया में छोटा हीट एक्सचेंजर बना के हम उतना ही हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर को करंट है तो उसमें हमको ज़्यादा एरिया देना पड़ेगा उतना ही हीट ट्रांसफ़र के लिए, उतना ही डेल्टा टी एल एम के लिए, ठीक ना। तो एक और फ़ायदा होता है, कम एरिया में हमको उतना ही हीट ट्रांसफ़र मिलता है, और अगर पैरेलल फ्लो में उसको कराते हैं तो थोड़ा हमको ज़्यादा एरिया देना पड़ेगा उतना ही हीट ट्रांसफ़र रेट के लिए। ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है काउंटर करेंट का। अब हम रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, चौथा टॉपिक है इसमें रेंज। रेंज कोई नहीं, हम कोल्ड फ्लूड और हार्ट फ्लूड का सिंपल देखते हैं। तो कोल्ड फ्लूड सॉरी हार्ट फ्लूड जो टी एच वन से टी एच टू जा रहा है, इसका रेंज हो जाएगा टी एच वन माइनस टी एच टू। और कोल्ड फ्लूड टी सी वन से टी सी टू जा रहा है तो उसमें हीट हो रहा है, तो टी सी टू माइनस टी सी वन उसका रेंज हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और होता है पांचवा, अप्रोच। अप्रोच केवल काउंटर करंट में निकालते हैं हम करते क्या हैं कि जो काउंटर करंट जब होता है तो टी एच वन जो है ना इनलेट जो हॉट हॉट होते हैं दोनों टी एच वन और इसका हॉट टी सी टू, इन दोनों का जो अंतर होता है अप्रोच होता है। ये भी एक टेम्परेचर डिफरेंस ही है टी एच वन माइनस टी सी टू। तो जो हॉट फ्लूड होते हैं दोनों के है ना, जो दोनों फ्लूड होते हैं उनका जो हॉट टर्मिनल होता है उसका टेम्परेचर का जो अंतर निकालते हैं वो आता है हमारा अप्रोच, और ये केवल काउंटर करंट के लिए ही निकालते हैं। तो ये था हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट के बारे में हल्का सा बेसिक चीज़ था। काउंटर करंट हमने पढ़ा, को करंट फ्लो पढ़ा, क्रॉस फ्लो पढ़ा, रीजनरेटिव रिक्यूपरेटिव के बारे में हमने बताया। एक बार और बता देते हैं कि रिक्यूपरेटिव होता है जो उसमें एक साथ दोनों लिक्विड को डाल दिया जाता है, एक साथ दोनों लिक्विड वर्क करते हैं जैसे इसमें था, और अगर वो है मतलब रीजनरेटिव है तो इसमें क्या ऐसे बनाया जाता है कुछ मैट्रिक्स टाइप बनाया जाता है, जैसे इधर से हॉट लिक्विड डालें तो इधर से निकल रहा है इधर से निकल रहा है, ठीक। हॉट लिक्विड निकल गया, पूरा का पूरा हीट हॉट का इसमें एब्जॉर्ब हो गया, फिर हम कोल्ड लिक्विड इधर से डालेंगे तो इधर से निकलेगा है ना, जितना भी हीट एब्जॉर्ब किया रहेगा ये अपने अंदर सक कर लेगा, तो यहाँ से भी हीट का एक्सचेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है। ये था ये वाला। तो बाकी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, नहीं समझ आया डिसलाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।